के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। पुलिस ने चार नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिन नक्सलियों के ऊपर ये कार्रवाई की गई है, वे नक्सली सुरक्षा बल पर आईईडी विस्फोट और मुख्य मार्ग को पेड़ और पत्थर डालकर रोकने के साथ ही हत्याओं की घटनाओं में शामिल थी। नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत नारायणपुर पुलिस द्वारा चार संदेहियों को गिरफ्तार किया गया है। नक्सलियों ने आम जनता समेत सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आईईडी विस्फोटक की घटना को अंजाम दिया था और उन्होंने इस घटना में शामिल होना भी स्वीकार किया है। इन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। नारायणपुर पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है और दौरान नक्सल विरोधी अभियान के नारायणपुर पुलिस के द्वारा चार संदेही समलो को राम, शंकर कश्यप, लक्ष्मण को राम और राम सिंह को जो है करने पर समलो को राम और शंकर कश्यप ने बताया कि 7 अप्रैल और 9 अप्रैल 2023 को इनके द्वारा माओवादियों के साथ मिलकर पेरमापाल और बाहकेर के जंगल में सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आईडी विस्फोट की घटना में शामिल होना स्वीकार किया गया है। और उक्त दोनों आपराधिक दोनों घटनाओं में थाना छोटे डोंगर में अलग अलग अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। इसके अतिरिक्त जो एक अन्य संदेही है लखमा को राम, जिससे पूछताछ पर उसने बताया कि 20 मार्च 2023 को ओरछा और धनोरा के मध्य मुख्य मार्ग जो है पेड़ काट कर पत्थर रखकर और मार्ग को खोद कर जो है मार्ग अवरुद्ध करने की घटना में माओवादियों के साथ शामिल होकर जो है घटना में शामिल होना स्वीकार किया गया। और उक्त घटना पर थाना ओरछा में माओवादियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। और एक अन्य संदेही राम सिंह निवासी बड़ेन होर से जो है पूछताछ किया गया, जिसमें उसने 2023 को कौशलनाथ साप्ताहिक बाजार में रतन दुबे की हत्या में माओवादियों के साथ सम्मिलित रहकर घटना में शामिल रहना स्वीकार किया गया है।